भारतीय प्रधानमंत्री से अनोखी मांग की है। आपको बता दें कि अपने खेत का रास्ता बंद होने पर महिला किसान ने खेत पर जाने के लिए राष्ट्रपति और साथ ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर हेलीकॉप्टर के लिए लोन और साथ ही लाइसेंस देने की बात कही है। दरअसल मंदसौर जिले के श्यामगढ़ तहसील अंतर्गत गांव आगरा में रहने वाली महिला किसान का खेत गांव के ही पास में बोरखेड़ी पटवारी हलके में आता है, जहां पर महिला किसान की लगभग यहां पर 0.41 हेक्टर कृषि भूमि है और जिसमें जाने वाले रास्ते को रसूखदार खेत मालिक ने खाई खोद कर बंद कर दिया है, जिससे महिला अपने ही खेत पर नहीं जा पा रही। और वहीं इस मामले को लेकर महिला ने कई बार श्यामगढ़ तहसीलदार सहित मंदसौर कलेक्टर से भी जमीन पर जाने के लिए रास्ता दिलाने की गुहार लगाई, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो महिला किसान ने राष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हेलीकॉप्टर और साथ ही लाइसेंस देने की मांग की है। खेत में तो जाना पड़ेगा, मान कितने जावा खेत में हेलीकॉप्टर की मांग करी। आपने किस किस को अवगत कराए हैं इसके लिए? सबके मारपत्ती ने सबने के लिखी लिखी ने भेज जाए तो कहा नहीं सुनवाई नहीं करी, सुनवाई नहीं हुई। हाँ तो उसके बाद क्या किया आपने? बाद में क्या करिए भाई, हेलीकॉप्टर देवार दो माए तो मैं उड़ीन साल जाऊँ, कोई सुनवाई नहीं करिया, बस ये मुख्यमंत्री उदी जाना पड़ी बस। सर यही समस्या है कि रास्ते का विवाद, मैंने बहुत सारे आवेदन दे दिए इन सभी को जिला प्रशासन तक, तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं, इसलिए राष्ट्रपति को आवेदन दिया कि क्या करें सब, हमारा रास्ता खुला नहीं होने पर हमको हेलीकॉप्टर दिया जाए। इस खबर को देखने के बाद मैंने SDO गरोट को निर्देशित किया था, उन्होंने नायब तहसीलदार श्यामगढ़ को मौके पर भेजा था और ये पाया है कि वहाँ पे जाने का रास्ता भी है और कोई लोकल इशू होगा जिसको कि रिजॉल्व कर दिया गया है। तो अभी क्या स्थिति है? महिला के पास खेत पे जाने का रास्ता है और हमने जो रिपोर्ट बुलाई है वो रिपोर्ट बता रही है कि ऐसी कोई। अनूपपुर में SDM प्रवीण सिंह के नेतृत्व में लोकायुक्त की टीम ने जिला यातायात प्रभारी सूबेदार अमित विश्वकर्मा और साथ ही आरक्षक अब्दुल कलीम को 50,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। जिला यातायात प्रभारी सूबेदार अमित विश्वकर्मा और साथ ही आरक्षक अब्दुल कलीम पर योगेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति ने रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए 9 फरवरी को यातायात थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त टीम ने सूबेदार अमित विश्वकर्मा और आरक्षक अब्दुल कलीम को गिरफ्तार किया है।